सहारा के कई पैसे सबके खाते में आने लगे हैं, कई लोग खुश हैं और जिनके खाते में पैसे आ रहे हैं वो आप बताना भी चाह रहे हैं, खुलकर बताना चाह रहे हैं। लालू प्रसाद केसरी, कितना पैसा आपका है? 42,600 जो मैं जमा किया था वो मेरा। ललिता देवी, कितना 50,000 जमा किए? 50,000। कितना पैसा आपका वापस? 50,000 आया। कब आया था ये? हो गया मतलब 8 दिन हो गया। 8 दिन आज सहारा ऑफिस सबको मिठाई खिलाना है। सहारा के कई पैसे सबके खाते में आने लगे हैं, कई लोग खुश हैं और जिनके खाते में पैसे आ रहे हैं वो आप बताना भी चाह रहे हैं, खुलकर बताना चाह रहे हैं और लोगों से रूबरू होना चाह रहे हैं। इससे पहले मैंने सहारा का वीडियो डाला, उसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सारे सवाल किए जिसका जवाब शायद मैं भी नहीं दे पा रहा था। मैनेजर साहब ने बहुत सारे जवाब दिए, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सहारा को लेकर मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें मैं अब उन लोगों से मिला रहा हूँ जिनका पैसा आना स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले स्वागत है दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड़िया सिन्हा है। कितना पैसा जमा किया था सारा? 10,000 जमा किए थे, 10,000 आ गया। कब आया? 19 तारीख को आया। 19 तारीख को आया। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि मेरा पैसा जैसे आ गया सब कार्यकर्ता का आ जाए, सब जमाकर्ता का आ जाए, भगवान से यही दुआ है कि अच्छे से जल्दी सबको आ जाए, बहुत खुशी होगा। देख सकते हैं ये महिला ने 10,000 जमा किया था और इनका 10,000 वापस आया। अब बहुत कोई लोग सवाल ये करेंगे कि सूद क्यों नहीं आया, तो इसके बारे में मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ये सहारा ही आपको जवाब दे सकता है। इन्होंने 10,000 जमा किया था, इनका 10,000 वापस आया और कुछ लोग हैं उनसे मिलाने की कोशिश करेंगे। एक और व्यक्ति है हमारे पास, उन्हें जाने की कोशिश करेंगे कि कितना उसका अमाउंट आया है सहारा को लेकर, ये जानने की कोशिश। कितना अमाउंट आया है? 10,000 रुपया आया हुआ है, जो 11,000 रुपये जमा किए थे 19 तारीख को, 19/9/2024 को आया हुआ है। इनका नाम से था? मीना देवी नाम से आया हुआ है। मेरी वाइफ है। जो अभी रेस्ट अमाउंट बचा हुआ उसमें 1,000 कुछ बचा हुआ, क्या लगता है वो आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे जो लोग डर रहे हैं कि पैसा नहीं आएगा? नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है, सहारा पोर्टल के माध्यम से पैसा लोगों का आ रहा है, इनका ऑनलाइन किया जा रहा है, उसके माध्यम से पैसा लोगों के खाते में पैसा आ रहा है। आने के बाद खुशी तो हुई? हाँ बहुत खुशी बात हुई है। देखिए ये लोग खुश हैं कि सहारा का पैसा रिटर्न आ रहा है, कुछ और लोग हैं उनसे मिलाते हैं और जानने की कोशिश कर देते हैं। अभी एक महिला कोलकाता से फोन पे है, उनसे हम बात कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दीदी आपका नाम क्या हुआ? सविता प्रजापति। कहाँ घर हुआ आपका? घर तो हुआ काको तिलैया के आसपास, लेकिन हम रहते हैं कोलकाता में। कोलकाता में रहते हैं। दीदी सहारा से आपके अमाउंट में कितने पैसे आए हैं? 10,000 आए हैं। 10,000 रुपए आए हैं, क्या खुश हैं? खुश है ना? हाँ, देख सकते हैं कोलकाता की लेडीज से बात करा रहे, फोन पे हैं सब जी, उनसे भी बात कराए और उनका भी 10,000 आया और कई लोग और ऐसे हैं जिनका अमाउंट आया हो, उनसे मिलाएंगे और जान। सहारा के न्यूज के बाद बहुत सारे सवालों से मैं घिर गया था और मैनेजर साहब के जवाब के बाद भी कई लोगों का सवाल ऐसा आ रहा था कि ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है, किसी के पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं ग्राउंड रिपोर्ट से बता रहा हूँ, सभी के लोगों तक पहुँच के मैं बता रहा हूँ। देख सकते हैं एक चचा जी मेरे पास है, वो यहाँ पे एक वस्त्रालय है वहाँ पे काम करते हैं, सोनू मोनू है यहाँ पे वस्त्रालय, उसमें काम करते हैं चाचा जी, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका पैसा रिटर्न आया है कि क्या आया, वो जानने की कोशिश करेंगे। चाचा क्या नाम हुआ? थोड़ा सा आगे आ जाइए आप, थोड़ा सा आगे आ जाइए। लालू प्रसाद केसरी। थोड़ा क्या नाम हुआ? लालू प्रसाद केसरी। कितना पैसा आपका है? 42,600 जो मैं जमा किया था वो मेरा पैसा रिटर्न आ गया। कब आया चाचा? ये 3-4 दिन हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, पैसा वापस आ रहा है? पैसा मेरा आ गया वापस आ रहा है, और लोग को भी बोल रहे थे कि मेरा भी पैसा 10,000 करके आ रहा है और आया भी है। हाँ देख सकते हैं चाचा जी हैं, इनका पैसा 42,600 रुपए वापस आ गए हैं और उन्होंने इतना ही जमा किया था, तो मैं ये खबर झूठ नहीं बना रहा था। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि जितना भी सहारा में निवेशक थे उनका पैसा धीरे धीरे करके वापस आना स्टार्ट हो गया है। 50,000 रुपए करके किस्तों में ही आ रही है, लेकिन आपका पैसा रिटर्न हो रहा है। जिनका पैसा 50,000 से कम जमा है उनका लगभग वापस आ जा रहा है, और जो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 है उनका 50,000 करके किस्तों में आ रहा है। तो मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने इसलिए आया था ताकि आप लोगों को विश्वास हो सके। मेरे करीबन 1,000-2,000 मैसेज ऐसे आए थे जिसमें कि साफ तौर से लिखा हुआ था कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई पैसा वापस नहीं आ रहा है, वापस नहीं आने वाला है, ठगा जा रहा है। तो ऐसे लोग झूठ नहीं बोलते, देख सकते हैं। आप प्रूफ चाहते हैं तो इटखोरी आइए, चतरा के इटखोरी में मैं रहता हूँ और इटखोरी के ये चचा हैं, अगर आप लोग चाहिएगा तो इनसे मैं बात भी करवा सकता हूँ। अगर वैसे लोग जो बात करना चाहते हैं, मैं इनसे प्रचलित हूँ, इनसे बात भी करवा सकता हूँ, और कुछ लोग हैं उनसे मिलाऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा, बने रहे मेरे साथ। अब हमारे साथ एक भैया जी हैं जो चचा का पैसा जमा करते थे, उनका खाता इन्होंने खोला था, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक ये जितने खाते खोले उनमें से कितने लोगों का पैसा रिटर्न आया। सबसे पहले स्वागत है, बेकार नाम हुआ?
राजू प्रसाद के इसलिए। एक चीज बताइए, कितने लोग जितने खाते खोले हैं, अब पता चला है, बड़ा खुशखबरी है कि आपके द्वारा खोले गए 2-3 ऐसे खाते हैं जिनके 50-50 रिटर्न हुआ, क्या ये सच? बिल्कुल बिल्कुल सही है, और अभी तक लगता है कि 15-20 खाते में मेरे खातेधारी का लगभग 50,000, किन्हीं का 10,000, किन्हीं का 15,000, इस तरह से करके रिटर्न आया है पैसा। चाचा का कितना आया? इनका 42,600 रुपया आया, जो कि पूरा इनका जमा था, जमा धन पूरा इनका आ गया। सहारा में जितने लोगों ने जमा किया, निवेश किया, क्या कहना चाहेंगे? उनका भी पैसा बिल्कुल आएगा, और वो धैर्य रखे। अभी जो 31 मार्च 2023 तक का है, उन्हीं का केवल रिसबमिशन कराना है, और जब 31 मार्च 2023 तक पूर्णता भुगतान हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे ऑप्शन जब सरकार देगा तो आगे का भी भुगतान जारी रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि जिनका 31 मार्च 2023 तक का जिनका पूरा हो चुका था खाता, उनको पैसा कहीं ना कहीं वापस आने लगा है, और ये बड़ी खुशखबरी है पूरे देशवासियों के लिए, बड़ी खुशखबरी है। जो सहारा में निवेश करते थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ताकि अब धीरे धीरे लोगों का पैसा वापस आना चालू हो चुका है। मुझे दिल्ली से फोन आया, यूपी से फोन आया, महिलाओं ने किया, बुजुर्गों ने किया। मैं दिल से आप बताना चाहता हूँ, मेरे सामने ये सब रहते हैं, उन लोगों का पैसा वापस आ रहा है, मैं चाहूंगा बहुत जल्द आप लोग का भी पैसा वापस आएगा, बस धैर्य रखिए, बहुत जल्द आप लोग के भी खाते में पैसा आने वाला है। और ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि कई लोगों का सहारा ने पैसा भेजना चालू कर दिया है, जैसे कि मैंने इससे पहले कई लोगों का और दिखाया। एक महिला है यहाँ पे, उनसे जानने की कोशिश करें, क्या नाम होती है? ललिता देवी। कितना पैसा वापस आया? 50,000। कितना जमा किए थे? 50,000 आ गया ना। कब आया था? 19 तारीख को। देख सकते हो 19 तारीख को जिस तरह बहुत सारा मैसेज आया, मैं मैसेज दिखाना चाहूंगा। दीदी का मोबाइल कीपैड है, अभी का जवान बेचारा देख सकते हैं, ये खुद सिलाई करके अपना जीविका चलाती हैं। देख सकते हैं कैमरे को क्लोज करके, देखिए 50,000 रुपए आई हुई है, जो दिख पा रहे होंगे आप। और देखिए साफ तौर से यहाँ नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, CRCS, ये सहारा का मैसेज है, और 50,000 रुपए इनके वापस आए हैं। और बहुत खुशी की बात है, सभी लोगों का आए धीरे धीरे करके, महिला हैं, इनका पैसा वापस आया, ये खुश हैं कि हमने 50,000 जमा किया था और 50,000 वापस आ गया, सबका वापस आया। ये दुआ कर रहे हैं आप? हाँ, सबको आ जाए, ही भगवान से दुआ करते हैं। पैसा आया था तो खुश हुए? पसीना का कमाया, जमा किए थे, तब खुश नहीं हुए। ऐसी महिला जो दिन भर खटती है, सिलाई खुद करती है अपने परिवार को चलाने के लिए, और ऐसी महिला का पैसा वापस आया है। आप भी डरे नहीं, आप भी थके नहीं, आप भी हारे नहीं, आपका भी पैसा बहुत जल्द वापस आने वाला है। कहाँ से हैं, क्या नाम हुआ आपका? हम पीटी से हैं। पीटी से, क्या नाम हुआ? तुलसीदांगी। तुलसीदांगी, कब आपने ऑनलाइन करवाया था? 2 महीना पहले कराए थे। कितना इस सहारा में पैसा आपका है? मेरा पूरा वही 2 लाख। एक चीज बताइए कि कितना पैसा आपका वापस आया? 50,000। 50,000 आया। कब आया था ये? ये हो गया मतलब 8 दिन हो गया, 8 दिन। आज सहारा ऑफिस सबको मिठाई खिलाने आए थे। हाँ, खिलाने तो आए थे। तो देख सकते हैं तुलसी दांगी जी हैं, दांगी जी हम भी हैं, टेंशन मत लीजिए। तुलसी दांगी जी का वापस आया है 50,000, ये खुशी से सहारा ऑफिस पहुंचे हैं, और सभी जो कर्मी यहाँ पे हैं उन लोगों को मिठाई खिलाया, और कहीं ना कहीं ये झूठ नहीं है, और कई ग्राहकों से मैं मिलाऊंगा, और अभी आप सभी की जो शक है, जो दायरे हैं शक के, उसे मैं दूर करूंगा, क्योंकि अब सहारा सभी को धीरे धीरे करके पैसा वापस नहीं सब ढकोसला, क्या करें। देखिए रवि जी, जो झूठ बोल रहे हैं या फर्जी बोल रहे हैं, अब उनके लिए तो ये बढ़िया है कि प्रमाण हम दे रहे हैं, और इसमें घबराने या संकोच करने की बात नहीं है। आपने पैसा मेहनत का जमा किया है, और वो सहारा ने भी गलत तरीके से नहीं फंसाया है। कंपनी कोर्ट और सेबी के मतलब क्या कहें कि कानूनी कार्रवाई के कारण फंसी थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बहुत राहत भी मिला है 5 तारीख के सुनवाई में। तो निश्चित तौर पे आप अपना ऑनलाइन जरूर कराएं, अगर करवाएं कोई कमी है तो रिसबमिशन जरूर करवाएं, और निश्चित तौर पे जब इनका आया है तो और सभी लोगों का आएगा। आप जल्दी करें, ऑनलाइन जरूर करवाएं और घबराएं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और जिस तरह सभी का पैसा वापस आ रहा, आपका भी पैसा बहुत जल्द वापस आएगा। आप जहां से भी हो जल्द से जल्द ऑनलाइन करवा लें, अपने नंबर को और अपने आधार को बैंक खाते से जुड़वा लें, ताकि आपका भी पैसा जल्द से जल्द आपके खाते तक आ जाए। धन्यवाद।